पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाने वाले मेहुल चौकसी का केस वापस हो गया है। डोमिनिका में इलीगल एंट्री करने के मामले में भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी को राहत मिल गई है। चौकसी को ये राहत तब मिली है जब चौकसी ये प्रूफ करने में कामयाब रहा कि उसे एंटीगुआ और बारबुडा से किडनैप करके डोमिनिका लाया गया था। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ डोमिनिका में अवैध प्रवेश का यानी इलीगल एंट्री का केस वापस ले लिया गया है। चौकसी ने एंटीगुआ पुलिस को दी गई एक शिकायत में यह दावा किया कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ डोमिनिका लाया गया था। इतना ही नहीं, मेहुल चौकसी ने यह भी दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट ने उसको अगवा कर लिया था। आपको बता दें, मेहुल चौकसी 2018 में अपने भतीजे नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद भारत से भाग गया था। अधिकारियों ने 900 किलोमीटर से ज्यादा दूर डोमिनिकन द्वीप समूह में उसका पता लगाया और पिछले साल 26 मई को एंटीगुआ और बारबुडा से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। एंटीगुआ पुलिस को एक शिकायत में मेहुल चौकसी ने दावा किया कि वो एक एंटीगुआन नागरिक था और उसे जबरन डोमिनिका लाया गया था। साथ ही उसने इस साजिश में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट के भी शामिल होने का आरोप लगाया। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मेहुल चौकसी ने जो दावा किया है, आइए वो बताते हैं आपको। मेहुल चौकसी ने दो नामों का जिक्र किया जिसमें गुरमीत सिंह और गुरजीत भंडाल का नाम शामिल है और दावा किया कि इन दो लोगों ने उसका अपहरण किया और ये दोनों रॉ के एजेंट थे। इसके अलावा एक परिचित बारबरा जराबिका को लेकर कहा कि इनके घर से उसको कथित रूप से अगवा कर लिया गया था। आइए विस्तार से आपको बताते हैं क्या दावा किया मेहुल चौकसी ने। मेहुल चौकसी ने दावा किया, मुझे विश्वास था कि गुरमीत सिंह और गुरजीत भंडाल रॉ एजेंट थे। यहां तक कि जब मैं डोमिनिका पहुंचा तो मैंने रॉ एजेंट के बारे में कहानियां सुनी और कैसे वो दुनिया भर के द्वीपों और स्थानों के आसपास रहते हैं। वो मुझे पूछताछ के लिए ले जा रहे थे। वो मेरे साथ बहुत सख्त थे और मुझे कभी भी पीट देते थे। चौकसी के मुताबिक वो पिछले साल मई में बारबरा जराबिका के घर गया था। मेहुल चौकसी के मुताबिक उसने मुझे अंदर बुलाया, मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। मैंने अपनी कार उसके घर के सामने खड़ी की और अंदर चला गया। वो शराब पी रही थी, उसने मुझे सोफे पर बिठाया और 4 मिनट के भीतर दो तरफ से लोगों का एक ग्रुप अंदर आ गया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप कौन हैं और हम आपको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। उनमें से दो ने मेरा हाथ पकड़ा, दो ने मेरे पैर और फिर वो मुझे जबरन उठा कर ले गए। मेहुल चौकसी ने यह भी दावा किया कि वो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से उनके अपहरण के बारे में अफवाह सुन रहा था। मेहुल चौकसी के मुताबिक, मुझे बताया गया था कि एक विमान आ रहा है और वो आपको देख रहे हैं और आपको बाहर ले जाएंगे और आपको मार देंगे। जब कोरोना वैक्सीन भारत से एंटीगुआ लाई गई तो लोगों ने मुझे बताया कि वो मेरे बदले में दिए गए थे। मैं बहुत अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि ये उन्हीं की साजिश थी। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने चौकसी के दावों की कभी पुष्टि नहीं की। साथ ही डोमिनिका से मेहुल चौकसी को भारत को सौंपने का अनुरोध भी किया। आपको बता दें, मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13,000 करोड़ का चूना लगाने का आरोप है। वो भारत छोड़कर एंटीगुआ भाग गया था, लंबे समय तक वहां रहा। फिर मई 2021 में चौकसी डोमिनिका पहुंच गया जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसके प्रत्यर्पण को लेकर चर्चा ये थी कि उसे सीधे भारत भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और डोमिनिका की सरकार ने उसके पास एंटीगुआ की नागरिकता होने का हवाला देते हुए उसे एंटीगुआ को ही सौंपने की बात कही।